नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेल, देखिए मार्केट्स के अंदर पिछले दो दिनों में हमने एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी है। पहले तो हमने 500 पॉइंट का फॉल देखा, फिर हमने वापस से नेक्स्ट डे ही पूरा का पूरा एंगल्फिक कैंडल और पूरी की पूरी जो बिकवाली थी वो पूरी की पूरी तेजी में कन्वर्ट होते देखी और हमने 500 पॉइंट का राइज निफ्टी में देखा। अब आज जो बुधवार का दिन है उसके अंदर हमें निफ्टी में साइडवेज मूव ऊपर नीचे दोनों तरफ के देखने को मिल रहे हैं। बट जिस तरह की तेजी देखने को मिली है परसों के दिन, कल के दिन, मेरे को उसको देखते हुए लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए। तो कोई भी 100-150 पॉइंट का अगर करेक्शन निफ्टी में यहाँ से आता है तो आप लोगों को खरीदारी करना चाहिए। नीचे में निफ्टी का जो सपोर्ट बनेगा 17,100-17,200, दी इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 17,100 and 17,200 लेवल्स। ऊपर में 17,400 का लेवल ब्रेक होने के बाद 17,600 तक का मूव हमें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया अगर रखेंगे तो हमें 18,000 प्लस के लेवल निफ्टी में आने वाले दिनों में जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो मेरा बोलना है अब की बार फिर 18,000 और उसके बाद 19 के पार, ये मेरा अभी इमीडिएट मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर ऐसा मूव आने वाले जल्दी कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिप आता है तो आप लोग खरीदारी करें, जल्दी ही निफ्टी 18 के पार हमें देखने को मिलेगा। ये तो हुआ निफ्टी का बात। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी ऐसी ही वॉलेटिलिटी दिखाई है और लोअर लेवल से हमें एक शार्प रिबाउंड बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। द इमीडिएट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड 37,500 लेवल्स, 37,300 लेवल्स। कोई भी ऐसा डिप अगर बैंक निफ्टी में आता है तो डिप में खरीदारी करे, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रख के चले। ऊपर में 38,500 के लेवल जैसे ही टूटेंगे तो हमें 39,000 से लेके 40,000 तक के लेवल आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दोनों के लेवल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि लोअर लेवल से बहुत सारे स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है। सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर एंड हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, ये मेरे को यहाँ पे स्टॉक्स पे, यहाँ पे मेरे को चार्ट्स पे ये स्टॉक्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स के नाम मैंने आपको दिए हैं जिनमें आप डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजिशंस होल्ड रख के चले। जिस तरह का मूव मैं मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर वो आता है तो ये जो स्टॉक्स के मैंने नाम दिए ये यहाँ से आराम से 5% से लेकर 10% तक के मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही, प्रॉपर लेवल्स के साथ आप ट्रेड कीजिए, अच्छा मूव हमें लगता है ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।